बरेली के एसएसपी रहे प्रभाकर चौधरी का नाम इन दिनों सोशल मीडिया पर खासा चर्चा में है। दरअसल बात 30 जुलाई की है, जब बरेली के जोगी नवादा इलाके में बिना अनुमति लिए कांवड़ियों का एक जत्था डीजे के साथ मुस्लिम इलाके से निकलना चाह रहा था, जिससे मुस्लिम समुदाय को आपत्ति थी। बात जिला प्रशासन तक पहुंची। डीएम, एसपी और एसएसपी प्रभाकर चौधरी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया। मुस्लिम समुदाय शांति से कांवड़ यात्रा निकालने के लिए राजी हो गया, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने कांवड़ियों की भीड़ में घुसकर माहौल को अशांत करना चाहा। पुलिस ने बल का प्रयोग करते हुए लाठी चार्ज कर भीड़ को शांत कर दिया। उसी दिन रात को एक खबर आई और तेजी से सोशल मीडिया पर फैल गई। खबर ये कि यूपी सरकार ने 10 जिलों के पुलिस प्रमुखों का तबादला कर दिया है। उसमें एक नाम बरेली के एसएसपी रहे प्रभाकर चौधरी का भी था, जो कि सबसे ज्यादा चर्चा में है। अब आपको बताते हैं कि प्रभाकर चौधरी कौन है। प्रभाकर चौधरी 2010 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। यूपी के अंबेडकर नगर जिले के रहने वाले प्रभाकर का अपनी 13 साल की नौकरी में लगभग 20 बार ट्रांसफर हो चुका है। लोग बताते हैं कि इन्होंने अधिकारियों नेताओं का कभी दबाव नहीं माना। भ्रष्टाचार के मामले में अपने पुलिस कर्मियों पर सबसे ज्यादा एक्शन लिया। एनएसडी ट्रेंड आईपीएस ऑफिसर प्रभाकर चौधरी की पोस्टिंग बलिया, सोनभद्र, बनारस, मुरादाबाद, देवरिया, आगरा, बुलंदशहर जैसे शहरों में रही है। कई पत्रकार बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई बड़ी घटना, नरसंहार या दंगा हो जाए तो उत्तर प्रदेश शासन उन्हें हेलीकॉप्टर से चार्ज लेने के लिए भेजता है। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी कि योगी सरकार को अपने ऐसे काबिल ऑफिसर का तबादला रातों रात करना पड़ा।